गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनविद ब्लॉग्स। आज मैं करने वाला हूँ अपने दोस्त का R15 V3 का रिव्यू, जो कि मैं इस वीडियो में पूरा कवर करूँगा। इस गाड़ी में क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए वीडियो। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसका आपका सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम इस R15 V3 का डिसएडवांटेज से लेकर। तो पहला डिसएडवांटेज जो मुझे फील हुआ है वो इसका चीप बिल्ड क्वालिटी, इसका प्लास्टिक, इसका जो फेयरिंग है, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ख़राब लगा है मुझे। कंपनी और थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता था गाड़ी को, और ये सब बिल्ड क्वालिटी है। ये फाइबर थोड़ा अगर वेट गिरता है ये टूट जाता है। फिर गाइज हम इसका राइडिंग पोस्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जो नया बायर होगा या नया राइडर होगा जो इसे ले रहा है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम आएगा वो मैं इस गाड़ी के ऊपर बैठ के ही दिखा देता हूँ। तो ये जो इसका एग्रेसिव पोस्चर है, पहला बात तो ये आपको अगर सिटी में चलाते हो तो पहला बात ऐसे पोस्चर में आप बैठते हो, फिर आपका पेन होगा, ये हैंड में पेन होगा, दोनों हैंड में पेन होगा, फिर रिस्ट शोल्डर में भी पेन होगा, फिर रिस्ट में भी पेन होगा। फिर हम इस गाड़ी के बात कर लेते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्स के बारे में, जो कि है इसका LED इंडिकेटर। इसका यार यामा वालों क्या कर रहे हो, इतना महंगा बाइक बेच रहे हो, LED इंडिकेटर नहीं मिल रहा है। ये तो कंसीडर करना ही चाहिए, LED इंडिकेटर भी देना चाहिए आपको। तो ये मैं इसको प्रॉब्लम लगा है मेरा पर्सनली। और फिर और एक प्रॉब्लम आ जाता है इसका सस्पेंशन। इसका मोनोशॉक सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है, आपको थोड़ा बहुत गड्ढा भी इस पर फील होगा आपको, और बहुत ही अनकंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। और फिर आ जाते हैं लास्ट पॉइंट की, जो इसका मेजर डिसएडवांटेज है, पिलियन राइडर। जो इसके पीछे जो गाड़ी में बैठेंगे और जो सामने चला, पूरा पीछे का बंदा का वेट पूरा आगे का बंदे में आएगा, राइडिंग में भी अनकंफर्टेबल होगा, पीछे में बैठने में भी प्रॉब्लम होगा, फ्रंट का जो राइडर होगा उसका भी प्रॉब्लम होगा गाड़ी चलाने में। चुका इस गाड़ी के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करना, फिर आते हैं हम एडवांटेजेस के ओर। तो चलिए पहला इसका एडवांटेज बताते हैं। पहला बात तो इसे दूर से देख लेते हैं गाड़ी को, देख ही सकते हैं आप इसका गाड़ी का फुल फेयरिंग डिज़ाइन। इस बजट में ये जो फुल फेयरिंग डिज़ाइन मिल रहा है, बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का डिज़ाइन मिलता है इसका, और स्पोर्टियर लुक है तो बहुत ही अच्छा लगता है इस बजट में। तो फिर बात कर लेते हैं इसका परफॉर्मेंस की। इसका परफॉर्मेंस आपको पता ही, R15 V3 का परफॉर्मेंस क्या है। इस 155cc में कोई दूसरे गाड़ी से कंपेयर करके आपको ऐसा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। इस गाड़ी में 18.3 PS का पावर मिल जाता है 14.1 Nm टॉर्क के साथ, जो भी कोई और गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। भी बात कर लेते हैं इस गाड़ी का फीचर्स के बारे में। जो पहला इसका मेजर फीचर है वो है इसका VVA टेक्नोलॉजी, जो कि है वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन। इसका मीनिंग होता है कि गाड़ी जब आप 7000 RPM में खींचोगे, इसका एक्सट्रैक्ट वेल्व ओपन हो जाता है और पावर डिलीवरी बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसका नेक्स्ट एडवांटेज है, इस साइड में आ जाइए तो दिखा देते हैं इसका स्लीपर क्लच। तो इस गाड़ी का स्लीपर क्लच यहाँ पे है, और इसका गाड़ी में स्मूथ गियर शिफ्ट्स भी होता है, बहुत ही अच्छा है। फिर बात कर लेते हैं इसका हम डिस्क के बारे में। इस गाड़ी में डुअल डिस्क मिल जाता है, डुअल चैनल ABS के साथ। और इसका जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग है बहुत ही अच्छा है, हाई स्पीड ब्रेकिंग, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। फिर लास्ट इसमें बात कर लेते हैं इसका टायर की ओर। फ्रंट का जो टायर प्रोफाइल है, जो कि MRF की ओर से आता है, इसका 100 सेक्शन का टायर है। और रियर टायर आता है MRF रेव्स की ओर से आता है, जो कि 140 सेक्शन का टायर है, ट्यूबलेस है और बहुत ही अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है आपको। हम बात कर लेते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ओर, तो आइए दिखाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये भी मुझे मेजर एडवांटेज लगा है। तो ऑन करते हैं इस गाड़ी को, तो देख ही सकते हैं इस गाड़ी में, इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर है, फ्यूल मीटर है, तो इसका रियल टाइम गियर दिखाता है। और इसका ये है RPM लाइट, जो RPM शिफ्ट करने का टाइम आएगा ये दिखा देगा। लास्टली इसका हैंडलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस गाड़ी का हैंडलिंग बहुत ही अच्छा है, और इस गाड़ी का जो एरोडायनामिक्स है, ये जो विंड ब्लास्ट आपको नहीं लगता है, विंड बहुत ही अच्छे से काटता ही है गाड़ी। और इस गाड़ी का जो वाइडर टायर प्रोफाइल है, उसके लिए इस गाड़ी में कॉर्नरिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। वीडियो को ज़्यादा ना लंबा ना खींचते हुए आज का वीडियो इतने तक ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, और गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड स्टे सेफ, राइड सेफ।